आ गए हम अपने न्यू घर में। वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं गुन्नू को लेकर उसके टेस्ट कराने। हम 3 दिन से लगातार हॉस्पिटल वगैरह के, क्लिनिक्स के, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए जा रहे हैं। सो आज हम इसके सारे काफ़ी सारे टेस्ट लिखे हैं, सो हम टेस्ट कराने जा रहे हैं लैब में। और क्योंकि काफ़ी सारे बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, तो यहाँ छोटी मोटी लैब में ना वो सारे टेस्ट हो नहीं रहे, तो हमने कोई मतलब बड़ी सी लैब ढूंढी है, काफ़ी दूर है यहाँ से, तो टाइम लगेगा वहाँ जाने में। तो अभी हम जा रहे हैं इसके टेस्ट कराने, उसके बाद जो भी चीज़ें मैं आपको तब बताती हूँ। तो चलो फटाफट से चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा, बहुत दूर जाना है। गाइज़, यहाँ पे एक्सीडेंट वाले भैया को गुन्नू ने इतना परेशान किया, क्योंकि ये खड़े ही नहीं हो रहा था सही से, ना ही हम लोग पकड़ रहे थे तब भी नहीं हो रहा था, इसके डैडी ने पकड़ा तब जाकर एक एक्सरे क्लियर आया था, वो भी बहुत मुश्किल से। यहाँ पे गुन्नू के 3 सैंपल्स देने थे, ब्लड सैंपल्स। तो जब इसको यहाँ पर लेकर आए तो इसे कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। जब इसका ब्लड निकालना स्टार्ट किया और ब्लड ना निकल ही नहीं रहा था, है ही नहीं ब्लड बेचारे में, तो निकल ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से दबा दबा के उन्होंने निकाला। और जब इसको इंजेक्शन मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा करके बार बार निकालने की कोशिश कर रहे थे, फिर इसने जो रोना स्टार्ट किया ना, पूरा प्रोसेस होने के बाद लास्ट में इतनी ज़ोर से रोया ही, बहुत ज़्यादा। इधर देखो मम्मा को, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं कर रहे यार, ये ले हटा दिया ले, कुछ नहीं हुआ। परेशान हो रहा है। Hey guys, welcome back to my channel। जैसा कि आपने देखा, हम गुन्नू को लेकर गए थे हॉस्पिटल, और काफ़ी दिन से इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी, क्योंकि मेरा गुन्नू बहुत ज़्यादा मतलब बीमार चल रहा था, उसको लूज मोशन, वॉमिटिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों से लगी पड़ी थी। तो आज काफ़ी सारे इसके टेस्ट हुए हैं, एक्सरे वगैरह हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, तो इसलिए मैं कुछ ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। तो आज मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं, 2-3 दिन से हॉस्पिटल के ही चक्कर लग रहे थे। तो अभी हम करने वाले हैं अपना मतलब हाउस शिफ्टिंग करने वाले हैं अगेन। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या रीज़न है, क्यों और कैसे, तो वो सारा मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जहां हम शिफ्ट हो रहे हैं वहां पे हम जा रहे हैं देखने कि वहां पे क्लीनिंग वगैरह हो गई है या नहीं, क्योंकि हमें सामान अब शिफ्ट करना है कल से, या फिर आज से, अगर आज सफाई हो जाती है तो आज से, या फिर कल से, या परसों, पूरा संडे तक हमें शिफ्ट कर देना है सामान। तो वही हम देखने गए जा रहे हैं हम कि पूरा क्लीन वगैरह हो गया है नहीं। तो चलो थोड़ा बहुत दिखाऊंगी मैं आपको, वरना बाद में आपको पूरा होम टूर दूंगी और दिखाऊंगी कैसा घर है, कहाँ हम शिफ्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है। सो चलो चलते हैं। और अभी गुन्नू ठीक है, ये मोबाइल चला रहा है लेटा हुआ, क्योंकि इसको इंजेक्शन लगे थे, इतना सारा इसका ब्लड निकला, बहुत सारा ब्लड निकला, और ये उस टाइम तो नहीं रोया पर बाद में इतना रोया ये, सोच कर बोल कर कि खून निकाल दिया, ब्लड निकाल दिया, इसलिए मोबाइल दे रखा है कि थोड़ा सा ये उस तरफ इसका दिमाग ना जाए। तो चलो चलते हैं और देख कर आते हैं कि मतलब साफ वगैरह है या नहीं, क्योंकि हमें फिर अपना सामान भी जल्दी से वहाँ शिफ्ट करना है। आ गए हम अपने न्यू घर में। दीदी को लग रहा था मैं सेल्फी ले रही हूँ। तभी मैं आई थी यहाँ पे, आज फ्राइडे है तो यहाँ पे मैं दिया लगाने आई थी। सो
यहाँ पे पूजा वूजा करने आई थी, तो अभी ऐसे ही स्वास्थ्य वगैरह बना दिया है और मतलब आज से सामान लाने की शुरुआत कर दी है, कल से हमारा सामान शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, बाकी सारा आपको बाद में दिखाऊंगी। और चलो चलते हैं, और वैसे भी गुन्नू की तबीयत ख़राब है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं रही हूँ, तो कल आपको अच्छे से दिखाऊंगी, कल या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो गाइस, तो अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और अब हमारी शुरू हो रही है पैकिंग और हमारा सामान अब जाएगा धीरे धीरे। अभी हमारा सामान निकलना शुरू हो चुका है, दोबारा से वही काम, एक यहाँ रखा है ये, तो धीरे धीरे सब गायब हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, और ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा लंबा ये सब हो जाता है, थोड़ा 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 थोड़ा, और बाकी वहाँ सब सामान सारा पहुँच जाएगा, वहाँ पे दिखाऊंगी मैं आपको। तो चलो करते हैं। सो हमारे डब्बे स्टार्ट हो गए, इनमें बुक्स भरी जाएंगी और फिर किचन का यहाँ पे कुछ ये डब्बे भी टूट चुके हैं, सब कवाड़ा बचा पड़ा ही। सो जब तक ये सामान पैक कर रहे हैं, और अभी मेरे भाई भी आने वाले हैं सामान वान पैक करवाने के लिए और थोड़ा बहुत रखवाएंगे जैसे भी है, तो तब तक मैं बनाने जा रही हूँ ये मैंगो फालूदा मिक्स। फिर से पैकिंग, फिर से सारा शिफ्ट करना, फिर से हमारी अरेंज करना, दिमाग का दही हो जाता है। हाँ, ट्रेन में जाना पड़ेगा, फिर से ट्रेन में जाना पड़ेगा, फिर सामान निकालो, पैक करो पहले, फिर उसे अनपैक करो, फिर उसे अपनी अपनी जगह पर रखो। बहुत मुश्किल काम, टफ काम होता है ये, बहुत ज़्यादा टफ काम। ऐसे चक्कर में ना कुछ भी ढंग से हो ही नहीं पाता है। मेरा बेटा बीमार था, मेरे बाबू की बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत पतला हो गया मेरा गुन्ना, इसलिए मैं कोई ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी, कोई भी ब्लॉग या फिर कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा सा बीमार चल रहा था, खा पी नहीं रहा था, पता नहीं क्या क्या हो गया है ना बेटा। बुखार होता था। हाँ, लूज मोशन भी हो रहे थे, वॉमिटिंग भी हो रही थी, डॉक्टर ने दबा दबा के ब्लड निकाल, ब्लड भी नहीं निकल रहा था, निकालना था। ओले बच्चा, उस मेरे भाई आ चुके हैं दोनों पिल्ले। अरे गुन्नू, अब कैसे बचेगा, अब तो रिकॉर्ड कर लिया। एक और आया विधि, विधि जींस, ये देख वहाँ देख पेंटिंग। ये है इनका नाश्ता, अम्मी ने भेजी कचौड़ियाँ। ये विंटर्स के कपड़े हैं जो मैंने अच्छे से पैक करके रखे हैं, अगर गिर भी जाएंगे तब भी नहीं खुलने वाले। चाय इसमें। सो रात के 11:30 बज रहे हैं और ये लोग थक चुके हैं पैकिंग करते करते, अब चल रहा है इनका मैच। हे गाइस, सो सुबह हो चुकी है और काफ़ी सारा सामान पैक हो चुका है, धीरे हम लगे पड़े हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैंने बनाया सूजी का हलवा और कल बनाया था फालूदा। अभी दोनों चीज़ हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे, हलवा और फालूदा। बहुत थकान हो रही है अभी से ही, पता नहीं क्या होगा पूरे दिन। ऑलमोस्ट सारा सामान हमारा जा चुका है, बस मोटा मोटा सामान बचा है लाइक फ्रिज और सोफ़ा, और बाकी जो सामान कबाड़ा नीचे पड़ा हुआ है वो कबाड़े वाले को देना है, भैया बाहर ही खड़े हैं। हमारा सामान पूरा जा चुका है और बस ये साफ़ वगैरह करना है, ये सब साफ करके फिर घर छोड़ना है। ओ, बैक साइड हो रहा है। बस एक गेम खेलने यार, खेलने सामान हमारा आ चुका है और थोड़ा बहुत सामान अभी आना बाकी है, थोड़ी देर में आता होगा। अभी मुझे ये सब सेट करना है, सेट में बाद में आराम से करूँगी क्योंकि बहुत कुछ ऐसी फैला पड़ा है मोटा मोटा। बस मैंने किचन का थोड़ा बहुत सेट कर लिया, ज़्यादा थकान हो रही है, अभी मैं बेड सेट करके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर कुछ आगे का काम करेंगे। तो यहाँ आते ही मैंने सारा सामान खोल दिया है, सबके बॉक्सेस हटा दिए हैं क्योंकि ये सारा काम मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है, अकेले मैं कुछ कर ही नहीं सकती इन सब चीज़ों में। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बहुत हेल्प करा देते हैं। आज तो मेरे भाई भी दोनों घर पर हैं तो वो भी करवा देंगे, और अभी ये गए हैं खाना लेने क्योंकि आज हम बाहर से खाना खाएँगे। हम लोग ऐसे नीचे बैठ के खा रहे हैं। सब तरफ नशा ही नशा है, कौन समेटे का ये सब। जब भी आप गए
ब्लॉग बन रहा है कि यहाँ पे कबाड़ा साफ करना है। फोकस कर लिया तो किले पे जाना चाहिए। थदे 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 और भी बहुत सारे आइटम ला रहे हैं। बॉडी बन गई आपकी सामान रखते रखते। बॉडी बिल्डर बन गए। बॉडी बनती तो रिक्शे वालों की सबसे ज्यादा बनती है। इसको कौन समेटेगा? किचन तो मैंने कर दी, बस गंदे बर्तन पड़े हैं, बाकी सब तो मैं सेट कर दिया। हमारे टाइम पे सब क्या सब खराब होता है ना गुल्लू? अब मेरा क्या होगा कालिया? शिवा अंदर सो रहा है और ये भी उठा है, सब जने थक गए। हाँ जाएगा। चप्पल चाहिए? गया हीटर बाबा ने किसे खड़ा कर दिया ऊपर। आ गया हीटर बाबा और ये भी आ जाएगा। तो अभी आ जाएगा, अब आ गए चूजा। ओ गिर मत जाना भाई, ऐसे नहीं खड़ा करके। गीजर तो लगवाना है ना ये, क्यों? अच्छा चलो गर्मी है अभी तो, खैर अभी क्या करना। सेंस काम कर गए, कर गए। बिना गीजर के ही खोलता हूँ, पानी आ रहा है। क्या हो गया? इसको ऐसे करो ना, टर्न करो। अच्छा ऊपर जगता है ना, रुको। हाँ इसको थोड़ा सा। यस यस यस, या वेल डन वेल डन वेल डन। ओ खड़ूस जरूर सत्तर में से तीस। अब रेस्ट कर लो थोड़ा सा। इसको बोलते हैं। हाँ हाँ मैं तो कर दे, उसका जाने का मन नहीं है। सबसे अच्छा वाला है कहाँ है? यहाँ दिव्यांश टीवी लगवा रहा है। अरे ये नहीं जाएगा इसके अंदर? जाएगा, बढ़िया नाम से उसे। मेरे दोनों संस्कारी भाई हमेशा की तरह आते और जाते टाइम पैर छूते हुए। मैंने कुछ ले लिया, मैंने कुछ लाया था। ये दोनों जा रहे हैं, मेरा सामान कौन रखवाएगा? आ गया आ गया आ गया आ गया। बाय बाय बाय। हे गाइस, अभी बज चुके हैं 8:30 और काफ़ी हद तक सामान मेरा सेट हो चुका है और हमने खाना पीना भी खा लिया है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। इतनी थकान हो गई ना, इतना सारा ये रखना और रीअरेंज करना, उठाना पैक करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। और ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगता है, बट फिर भी ये काम मुझे करना पड़ता है। तो अभी बहुत कुछ पड़ा है, वो कॉर्नर पूरा अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, वहाँ पे सारा सामान ऐसे ही इकट्ठा पड़ा है और बाकी बहुत कुछ सेट कर दिया मैंने। अब फटाक से सो जाना है क्योंकि बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, बहुत थकावट हो गई। पैर की जो तिल्लियाँ हैं ना, एड़ियाँ और तिल्लियाँ, सारी की सारी इतनी, मतलब इतनी दर्द कर रही है, इतनी पेन कर रही है ना, बहुत ज़्यादा। बोलो ज़रूर मिलेंगे। और ये तो बोल दो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इतने बज गए हैं, अभी हम लोग नहाए नहीं है, तो अभी हम नहाएंगे फिर सोएंगे। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। मैं अभी नहा कर आई हूँ, रात के 11 बज रहे हैं और मेरे बच्चे सो गए हैं और मेरे हस्बैंड भी नहाने की तैयारी में लगे पड़े हैं। तो हम लोग बहुत थक गए और अब आएगी बहुत अच्छी वाली नींद, ठंडी ठंडी हवा।